बहुत बहुत धन्यवाद भाई विनोद त्रिपाठी जी, जो तल्लीनता और एक मान सकते हैं कि कंसंट्रेशन इनका पूरी तरीके से तन्मयता और एकाग्रता हमारे विनोद भैया ने दिखाया, वही तन्मयता और एकाग्रता की आप सभी को जरूरत है, उसी की दरकार है। और मैं अजय प्रकाश दुबे, जिला समन्वयक प्रशिक्षण, आपके इस पावन पवित्र बाबा बेलखरनाथ धाम के इस पवित्र मंच पे उपस्थित समस्त शिक्षक भाई बहनों और अनुदेशक शिक्षा मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। इतनी खूबसूरती के साथ विनोद भैया प्रेजेंट कर रहे थे सारी चीज़ें, बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 25 की संख्या में पूरे के पूरे प्रतिभागी हैं, बहुत बड़ी बात है। और ये जो प्रशिक्षण है, आप मान के चलिए पूरे के पूरे सेशन इसे चलना है, जब तक कि विद्यालय खुल नहीं जाते। विद्यालय तो खुल गए हैं, बच्चों के लिए विद्यालय नहीं खुल जाते। तो आपकी क्षमता संवर्धन के लिए हमारे भाई वैभव श्रीवास्तव जी, हमारे मनोज कुमार तिवारी जी और विनोद त्रिपाठी जी, ये आपके संदर्भदाता हैं। वैभव श्रीवास्तव जी हमारे सदर के शिक्षक साथी हैं, आपके बीबीएनडी ब्लॉक में गए हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हैं, गणितज्ञ हैं। और मनोज तिवारी जी कोई नया चेहरा नहीं है आपके बाबा बेलखरनाथ धाम के लिए, प्रकांड विद्वान हैं और सोशल साइंस से हुए हैं। इस खूबसूरत मंच पे अभी हमारे यहाँ 2 ARP के पद खाली हैं। आपकी जानकारी के लिए सभी को बता दें कि ARP में जो भी आप वेतन पाते हैं उसके अलावा भी 2,500 रुपये अतिरिक्त आपको देय होता है। जिला परियोजना कार्यालय में बतौर आप टीचर एजुकेटर के रूप में आ जाते हैं, आप शिक्षकों के बीच में उनकी क्षमता का संवर्धन करते हैं, जैसे विनोद भैया अभी कर रहे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। और हमारे स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, केवल और केवल मात्र 2 पद खाली हैं बाबा बेलखरनाथ धाम में, आप सभी आवेदन करें। इस समय फॉर्म निकला हुआ है, 30 जुलाई लास्ट डेट, तो आप बिल्कुल देर न करें। कार्यालय माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पते पे पंजीकृत डाक से आप आवेदन कर सकते हैं। जिस किसी शिक्षक साथी को इसकी ज़रूरत रहेगी, आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट करिए, हम फॉर्म आपका व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आप कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड है, कोरोना का वैश्विक कहर है, आप सभी को अपने जीवन को बचा के रखना है, सजो के रखना है, परिवार को सुरक्षित रखना है। खैर, आते हैं हम टॉपिक पे। आपके सामने 3 हस्तपुस्तिकाएं हैं, पहला है आधारशिला, दूसरा ध्यानाकर्षण, तीसरा शिक्षण संग्रह। इसी से संबंधित विनोद भैया पूरी की पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं, वैभव भैया दे रहे हैं और हमारे मनोज भैया, तीनों लोग आपको प्रशिक्षित करेंगे, अच्छे से प्रशिक्षित करेंगे। हम आते हैं आधारशिला मॉड्यूल। आधारशिला, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, हमारा ग्राउंड कैसे हो, पाषाण सदृश हो, प्रस्तर सदृश हो, काफ़ी सख्त हो, काफ़ी मजबूत हो। तो हम करते क्या हैं, आधारशिला मॉड्यूल में हमारे गणितीय और भाषाई क्षमता के संवर्धन की बात आती है। आप कहेंगे सर भाषाई क्षमता क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि कक्षा एक से लेकर के पूरे पाँच तक प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित हैं। प्रेरणा कक्षा एक में अगर कोई बच्चा है, शब्दों का समूह दिखाया गया, 5 शब्द पहचान लिया, 80% बच्चा ग्रेड कम्पिटेंट माना जाएगा। कक्षा दो का है, 20 शब्द प्रति मिनट की दर से धारा रेखी प्रवाह पढ़ ले। कक्षा तीन का बच्चा है, 30 शब्द प्रति मिनट धारा रेखी प्रवाह पढ़ ले। कक्षा चार का बच्चा है, एक छोटा सा पैराग्राफ उसे दिया गया और बच्चे ने उस छोटे से पैराग्राफ को समझ करके 75% प्रश्नों के हल कर लिए। कक्षा पाँच का बच्चा है, थोड़ा बड़ा अनुच्छेद उसको दिया जाएगा और वो उस अनुच्छेद को कॉम्प्रिहेंड करके और उससे संबंधित 75% प्रश्नों का वो हल कर ले। तो भाषा का हमारा जो है प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त हो गया। और ऐसे गणित का है, अभी विनोद भैया बता ही रहे थे, गणित में संख्याओं का समूह दिया जाएगा और बच्चा 5 संख्याओं को रिकग्नाइज कर ले। कक्षा दो में क्या होगा, कक्षा दो में गणित के जो इकाई के अंकों के जोड़ और घटाव बच्चा कर ले, हासिल की बात नहीं हो रही अभी। कक्षा तीन में यही जोड़ और घटाव हासिल का कर ले। कक्षा चार में बच्चा जो है जो भी प्रश्न दिया जाए गुणा का, उसको 75% सॉल्व कर ले। और कक्षा पाँच में भाग के दिए गए प्रश्नों को 75% वो सॉल्व कर ले। ये आपका प्रेरणा लक्ष्य हो गया। ये प्रेरणा लक्ष्य
आपको सारे शिक्षक भाई बहनों को, अनुदेशक शिक्षा मित्र को कंठस्थ होना चाहिए, उनके मानस पटल पे अंकित होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लक्ष्य को नहीं जानते हैं आप एक कदम भी नहीं चल सकते। आधारशिला मॉड्यूल की ये आत्मा है, इसको आप सभी लोगों को याद रखने हैं। यही हमारे मनोज भैया, यही हमारे वैभव श्रीवास्तव जी, अभी विनोद जी केआरपी हैं, जब वो एआरपी हो जाएंगे तो आपके विद्यालयों में सपोर्टिव सुपरविजन के लिए जाएंगे, लेकिन अभी मनोज जी और ये वैभव सर, ये कुल मिलाकर के आने वाले समय में आपके विद्यालयों में सपोर्टिव सुपरविजन करेंगे, और जिन लक्ष्यों के बारे में, जिन प्रशिक्षण के बारे में आपको इस समय बता रहे हैं, आपसे बिल्कुल पूछेंगे, इनका राइट बनता है। तो आप पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ आप प्रशिक्षण लीजिए, किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं है। माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का ऐसा मानना है और उन्होंने हमें कह रखा है कि सारे आप ब्लॉक को विजिट करिए और देखिए प्रशिक्षण की गति और तीव्रता और शुद्धता किस रूप में है। तो बहुत अच्छा लगा इस मंच पे आने के बाद, बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हो रहा है, बहुत अच्छे से हमारे प्रतिभागी शिक्षक साथी सुन रहे हैं। आधारशिला मॉड्यूल हो गया, अब आप कहेंगे कि सर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल क्या है? तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल हमारा क्या है, प्रेरणा प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य, ये सब तकनीकी शैक्षिक शब्दावलियाँ नहीं है। ये बेसिक एजुकेशन में आपके शिक्षक होने का क्या है, जीवंत प्रमाण है। अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं तो आप आने वाले समय में जो पेडागोजिकल चेंजेस शिक्षण में होने वाले हैं आप उनसे वंचित रहेंगे। आप प्रेरणा सूची जाने, प्रेरणा सूची क्या है, प्रेरणा सूची कक्षावार विषयवार दक्षता है, प्रेरणा तालिका क्या है, प्रेरणा तालिका इन्हीं दक्षताओं का मापन है, प्रेरणा तालिका कहाँ चस्पा होगी, प्रेरणा तालिका आपकी कक्षाओं में चस्पा होगी, उस पे हमारे एआरपी, यही मनोज जी, यही वैभव श्रीवास्तव जी, ये जाएंगे और वो प्रेरणा तालिका को देखेंगे कि चस्पा है या नहीं। और अगर चस्पा है तो मासिक स्तर पे जो हेडमास्टर अपने शिक्षक साथियों के साथ, हेडमास्टर का यहाँ पे लीडरशिप बहुत ज़रूरी है, अपने शिक्षक साथियों के साथ आपको बच्चों को ग्रेट कॉम्पिटेंट बनाना है, वहाँ पे हेडमास्टर का भी प्रेरणा तालिका पे सिग्नेचर होगा और हमारे ये वैभव भैया का और मनोज जी का भी वहाँ पे सिग्नेचर होना है। ये सही चीज़ें होनी है प्रेरणा तालिका पे। हर महीने शिक्षक प्रेरणा तालिका को भरेंगे। अच्छा, प्रेरणा तालिका में 30 बच्चे आते हैं और 30 बच्चे आते हैं, 14 से 16 लर्निंग आउटकम आते हैं, कक्षा 1 से लेकर 3 तक 14 लर्निंग आउटकम, और उसके आगे जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर 16 लर्निंग आउटकम, और इन्हीं लर्निंग आउटकम पे आप एग्ज़ाम भी करा चुके हैं, 2 सेट परीक्षाएं हो चुकी हैं, स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट 1, स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट 2 अभी हुई है। तो इन्हीं सब बच्चों का देखा जाएगा, जो बच्चे CDE कैटेगरी के हैं, CDE कैटेगरी के बच्चे वो हैं जिनको उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत है, तो रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत है, इन्हीं बच्चों के साथ आप ध्यानाकर्षण करेंगे। अच्छा, ध्यानाकर्षण में 18 शिक्षण तकनीकियाँ हैं, उन्हीं शिक्षण तकनीकियों के माध्यम से इन बच्चों को आप मुख्य धारा में लेके आएंगे। तो ये ध्यानाकर्षण शिविर भी होता है। आप कहेंगे सर शिविर क्या है? अप्रैल यानी सत्र के प्रारंभ में 30 दिन का शिक्षण शिविर और मई में 20, 50 दिन का होना चाहिए था, नहीं हो पाया, स्कूल बंद हो गए लॉकडाउन की अवधि में। अब स्कूल खुलेंगे, स्कूल तो खुल ही गए हैं, बच्चे जब आएंगे तो आप क्या करेंगे, 2 पीरियड हम इनका ध्यानाकर्षण का रखेंगे। तो ये ध्यानाकर्षण मॉड्यूल हो गया। अब मैं अपना वाणी को विराम दूंगा शिक्षण संग्रह थोड़ा बता करके। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल क्या है? एक्सेलेंट लेसन प्लान है। आप BEd BTC में लेसन प्लान बनाते थे, अब आपको पर डे क्लास में लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। अब आप भयभीत भी ना होइए, भयभीत इसलिए नहीं होना चाहिए कि एक एक लेसन, एक एक चैप्टर पे 100-100 लेसन प्लान पड़े हैं। अच्छा, ये लेसन प्लान देंगे कौन? ये लेसन प्लान वैभव जी देंगे, ये लेसन प्लान हमारे मनोज जी देंगे। आपको लेसन प्लान बिल्कुल मिलेगा और पहला पीरियड से लेके 8वां पीरियड आपका लेसन प्लान के माध्यम से होगा। आप कौन सा लर्निंग आउटकम बच्चों को बताने जा रहे हैं उससे संबंधित लेसन प्लान होगा। तो आने वाले समय में जब बच्चे आपके बीच में रहेंगे, शिक्षण की जो विधा है पूरी तरीके से रेवोल्यूशनरी चेंज होने जा रहा है। ये DG साहब का, हमारे स्कूल शिक्षा महानिदेशक का पर डे एक लेटर, महानिदेशक महोदय हमारे इतने सक्रिय हैं, इतने बेसिक शिक्षा में आमूल चूल बदलाव के प्रति इतने प्रतिबद्ध हैं कि वो हर एक शिक्षक को एक प्रेरक शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं। आप प्रेरक रहेंगे, हमारा बच्चा प्रेरक होगा, हमारा बच्चा प्रेरक होगा, हमारा स्कूल प्रेरक होगा, हमारा स्कूल प्रेरक होगा, तो बाबा बिलखरनाथ धाम जहाँ पे शिव की छत्र छाया में वो ब्लॉक है, वो पूरा का पूरा ब्लॉक प्रेरक हो जाएगा। और हमारे माननीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय
संतोष जी, जिन जितनी भी बड़ाई किया जाए उनके लिए कम है, शब्द मेरे पास नहीं। इतने जहीन और इतने अच्छे इंसान हैं कि उनके अंडर में जो भी ब्लॉक है, चाहे वो आसपुर देवसरा हो चाहे बाबा बेलखरनाथ धाम, शिखर पे है, हर मामलों में शिखर पे है। तो ये बड़ी बात है सर का सानिध्य, और आप लोगों को मिलता रहता है, सपोर्ट मिलता रहता है, कहीं कोई इश्यू कभी नहीं आती। मैं बेलखरनाथ में खुद ही शिक्षक रहा हूँ, मैं बेलखरनाथ में पूरे दुर्बन में शिक्षक रहा हूँ, फिर मैं धनसारी में हेडमास्टर हुआ, मॉडल स्कूल राजगढ़ में मैं 5 साल हेडमास्टर रहा, और इस समय डीसी ट्रेनिंग के पद पे कार्यरत हूँ आप सभी की दुआओं और आशीर्वाद से। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सारे शिक्षक भाई बहन इस प्रेरणा लक्ष्य को अचीव करें। मार्च 2022 में हमारा प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त हो जाना है। तो अब मैं कोशिश करूँगा, हमारे तीनों शिक्षक जो भाई हैं बेसब्री से आतुर हैं आप सभी के बीच में अपनी बात कहने के लिए, और सत्र आपका ऐसे चलता रहे, बड़ा अच्छा लगा, आपने हमें सुअवसर दिया, और तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी।